नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोयाबीन 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंची कीमती। एजुकेशन सेक्टर का बेड लो 9.55%। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों से कहा एजुकेशन लोन की वसूली में ना करे सख्ती। जल्दी 70 साल उम्र तक के बुजुर्ग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की योजना में निवेश कर पाएंगे। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस से जुड़ने की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पीएफआरडीए की योजना एनपीएस से जुड़ने की उम्र सीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने की है। पेंशन रेगुलेटर ने मिनिमम गारंटेड पेंशन प्रोडक्ट को भी तैयार करने का सुझाव दिया है। यह एनपीएस के दायरे में आएगा। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेंशन फंड में कितना जमा किया गया है और इस फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है। अगले 15 से 20 दिनों के भीतर एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। कलमना के थोक अनाज बाजार में सोयाबीन की आवक जहां कम हो रही है, वहीं इसके विपरीत इसकी कीमतें बढ़ती ही जा रही है। एमएसपी से अधिक कीमतें मिलने से सोयाबीन उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है। सोयाबीन के ऊंचे भाव जाने का इंतजार कर रहे किसानों द्वारा अभी मार्केट में शेष बची हुई सोयाबीन लाई जा रही है। मार्केट में जो सोयाबीन सप्ताह भर पहले 4800 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल चल रही थी, वह अभी 1500 रुपए के उछाल के साथ 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। सोयाबीन सेट्स में उछाल के चलते ही तेलों के भाव में भी अंकार लगी हुई है। मार्केट में इस समय केवल 400 से 500 बोरे ही सोयाबीन आ पा रही है। मार्केट में बहुत कम सोयाबीन आने के चलते यहाँ के प्लांट वालों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं उन्हें एमपी सहित अन्य राज्यों के सोयाबीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार अभी माल कम होने और डिमांड बढ़ने से सोयाबीन में इतना अधिक उछाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। अगर आपने लोन लेकर पढ़ाई की है और कोविड के चलते लौटाने में दिक्कत हो रही है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों से एजुकेशन लोन की वसूली में जोर जबरदस्ती नहीं करने के लिए कहा है। एजुकेशन लोन मार्केट में 92% हिस्सा पब्लिक सेक्टर के बैंकों का है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बैंकों को एजुकेशन लोन का पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है और उनका एनपी बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को ऐसे जिन एजुकेशन लोन की रीपेमेंट पर 90 दिन से ज्यादा बकाया हो गया है, वह दिसंबर 2020 में 9.55% तक पहुँच गया था। पिछले साल मार्च में यह आंकड़ा 7.61 पर था। एक सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने यह बात बैंकों के बोर्ड में शामिल अपने नॉमिनी के जरिए उठाई है। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते पिछले एक साल में लोन डिफॉल्ट पड़े हैं। यह बात सरकार समझती है, उसने बैंकों को बोरोअर से नरमी दिखाने के लिए कहा है। इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ने पर हालात सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई चैनल पर 50 रुपए के अंतर किए जाने वाले सभी गेमिंग ट्रांजैक्शन पर स्थायी रूप से बैन लगा सकता है। सोर्सेज के अनुसार नया नियम इस सप्ताह के अंत में लागू होगा। यह कदम यूपीआई पर ट्रांजैक्शन की मात्रा को कम करने के लिए उठाया गया है क्योंकि हाल ही में ट्रांजैक्शन की संख्या में उछाल आया है। इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी के मद्देनजर डिजिटल ट्रांजैक्शन में वृद्धि, बैंकिंग रुकावट और तकनीकी मुद्दों में वृद्धि होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में हो रही तेज वृद्धि पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सप्ताहांत पर लगाए गए कर्फ्यू के कारण आज दिल्ली थोक जींस बाजार बंद रहा। कारोबारियों ने बताया है कि कर्फ्यू के कारण थोक बाजार नहीं खुले हैं, लेकिन मोहल्ले में स्थित किराना की दुकानें खुली हुई है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोयाबीन 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंची कीमती। एजुकेशन सेक्टर का बेड लो 9.55%। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों से कहा एजुकेशन लोन की वसूली में ना करे सख्ती। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।